श्री राम। पढ़ू मैं? ख के नीचे से श्री राम। अपनी करनी को याद करके सीता जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिवजी का रुख देखकर सीता जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना आप सती जी ने शिवजी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और मैं हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत अत्यंत जलने लगा। ऋषिकेतु शिवजी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। जय श्री राम। तब सती जी नए लोग भी है तो नंबर एक बार बता देना है। नंबर तो ये 56 के नीचे है, तो 56 में पढ़ लीजिए। बालकांड 57 58 का नीचे का पढ़ रही मैं अभी दोहा। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। श्री राम थैंक यू। तो हमने देखा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कैसे सती माता भगवान की प्रति भिक्षा लेने गई और कैसे उन्होंने गलत तरीके से भिक्षा लेने लगी। और उसके बाद उन्होंने जब देखा भगवान भोलेनाथ जी ने कि इन्होंने तो माता सीता जी का रूप धारण किया था भिक्षा लेते समय, तो उन्होंने सोचा कि अब इस देह के साथ सती के साथ मेरा मिलन नहीं होगा, क्योंकि सीता माता मेरे लिए मदर है, पूजनीय है। तो परंतु वो प्रकट रूप से नहीं कहते, क्योंकि माता सती ने नहीं बताया। तो ये हमारे जो शिव भोलेनाथ है, बड़े दयालु है, कृपालु है, वो समझ रहे हैं कि सती दुखी है, उनको दुख है कि उन्होंने ये किया, पर भय करके कुछ नहीं बोलना चाह रही, तो वो भी कुछ नहीं बोलते उनको किसी भी तरीके से, ताकि उनके दिल को और दुख ना लगे। तो हम देखते हैं कि अब वो कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं दोनों जने। तो अब माता देख समझ गई है सती माता कि भगवान जी के मुख से, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी ना कि जो आपने प्रतिज्ञा की है किसी ने भी आज दिन तक नहीं की और ना ही कोई कर सकता है इतनी भयंकर प्रतिज्ञा। तो वो पहले पूछा भगवान से, आपने क्या प्रतिज्ञा की शिव भोलेनाथ से? तो भोलेनाथ ने बोला नहीं कुछ नहीं। तो फिर वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, भोलेनाथ पहचान गए हैं मैंने क्या किया। और फिर वो अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो माता रानी, हमारी जो सती माता है, पूरी तरह से समझ चुकी हैं कि मेरे प्रभु हैं, उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। अब वो समझ गई हैं, शंकर और कवलों की भवानी, प्रभु मोहि तजियो हृदय अकुलानी, समझ गई कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया और मन में बहुत खेद है, बहुत ही उदास है। बट देखो भगवान की दयालुता देखो, सती ही ससोच जानी वृष केतु। जब वृष केतु, रिमेम्बर हमने कहा था वृष केतु का मतलब जो हमेशा धर्म पे सवार रहते हैं, उस प्रभु शिव भोलेनाथ जो हमेशा कभी अधर्म पे के रास्ते पे चल ही नहीं सकते, तो उन्होंने देखा कि सती को बहुत सोच हो रहा है, शी इज रियली चिंता में पड़ी हुई है। तो क्या कही कथा सुंदर सुख हेतु, रास्ते में जा रहे हैं ना, रास्ता तो किसी तरीके से बताना है ना, ऐसा तो नहीं कि दोनों चुप बैठे रहे, फिर तो काम नहीं चलेगा ना, फिर तो और भी उसको दुख लगेगा। तो भगवान उनको सुंदर सुंदर पुराणों की कथाएं सुनाते हैं। तो वर्णत पंथ विविध इतिहास, बहुत पुराणों की कथाएं, बहुत इतिहास सुनाते रहे,
उसका दिल लगाते रहे मैया का। तो लेकिन एक बात यहाँ याद रखो, सब कहानियां सुनाएंगे ही, राम कथा नहीं सुनाएंगे उनको, क्योंकि माता राम कथा की अधिकारी नहीं हुई, बिकॉज उन्होंने पहले राम कथा को सुना नहीं ना, तो वो राम कथा का अपमान हुआ। रिमेम्बर जब भोलेनाथ अगस्त्य ऋषि उनको सुना रहे थे, भोलेनाथ कितने प्रेम से सुन रहे थे, बट माता ने जरूरी नहीं समझा उस कथा को सुनना, है ना। तो अब इसीलिए उन्होंने कहा कि then she doesn't want it, तो ये ना ही अधिकारी नहीं है इस कथा की। तो तय अपनी शंभु समझ पनापन, अब अपने कैलाश पर्वत अपने घर पे पहुंच गए हैं, और भगवान शिव तो सहज स्वरूप में ऐसे चले जाते हैं, उनको मेडिटेशन में बैठने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो तो बैठे समाधि लग गई, तो वो बैठ गए, उनको तो अखंड समाधि लग गई, तो कैलाश में रह रहे हैं, बहुत हजार वर्ष बीत चुके हैं। तो लेकिन देखो कि कैसा प्यारा संबंध है, सिर्फ ये जो बात है इस बिटवीन पति पत्नी की है, किसी को उसकी भू तक नहीं लगी, वैसा ही चल रहा है, वैसा ही सती के साथ बिहेव हो रहा है, मैया के साथ वैसा, एवरीथिंग गोइंग द सेम वे इट्स सपोज्ड टू बी, पर लेकिन सिर्फ मैया जानती है। और फिर वो कैसा उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा है, क्योंकि देखो ये शरीर से त्याग तो नहीं हुआ पर मन से त्याग तो हो चुका है ना, तो वो उनसे सहन नहीं हो पा रहा है। अब आगे पढ़ते हैं 58 के नीचे 59 तक। जय श्री राम। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी, मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ये उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये असह्य विपत्ति दूर हो जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो ये होता है फर्क, उन्होंने किसी को, अब माता सती जी ने किसी और दूसरे को दोष नहीं दिया, और वो कहती है कि जो अब जो मेरे साथ हुआ मेरी करने का ही फल है, यानी अपने कर्मों के कारण मैंने अपने कर्मों से ही दुख पाया है। तो अब लेकिन अब कहती हैं, अब क्षमा मांगती हैं भगवान श्री राम से कि अब मुझे क्षमा कर दो, और बोलती हैं कि हे दीन दयालु, मैं नहीं रह सकती शिव जी भोलेनाथ के बिना, कि वो उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है, ये त्याग मेरे से सहा नहीं जाता, अब मुझे इस शरीर में रहना ही नहीं है। इसका मतलब है वो दोबारा जन्म लेना चाहती है, तो हर जन्म में वो उन्हीं को पति बनाना चाहती हैं। तो वो कहती हैं, इसीलिए वो वर मांगती हैं उनसे कि मैं चाहती हूँ कि अगर सचमुच वेद कहते हैं आप दुख हरता हो सुख करता हो, है ना, दुख हरता सुख करता हो, तो अगर आप दुख हरता सुख करता हो तो मेरे दुखों को भी दूर कीजिए। तो बोले कि जितनी जल्दी हो सके मैं ये चाहती हूँ कि मेरी यह देह बिना प्रयत्न के जल्दी से जल्दी छूट जाए, है ना। तो फिर वो यही कहती हैं कि जल्दी से वही उपाय करिए जिससे मेरी यह देह छूट जाए। अब हम आगे देखते हैं 59 के नीचे क्या होता है। श्री राम, दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी, उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सीता जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जागकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रसमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए ब्रह्मा जी ने
सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़े यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। तो हम देखते हैं कि इधर भगवान की समाधि तो खुल गई है पर फिर भी जो जब वो कहते हैं माता ने आके प्रणाम किया बट उन्होंने क्या किया उनको अपने आगे स्थान दिया मतलब पूजा का स्थान दिया उन्होंने। तो उस समय फिर ऐसे दिन बीत रहे हैं मैया का दुख बढ़ता जा रहा है। तो उधर क्या हुआ ये जो दक्ष प्रजापति दक्ष हैं जो ये सती के पिता है ना दक्ष तो ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो ये दक्ष इनकी बुद्धि बहुत दक्ष है तो ये राजसिक वृत्ति के हैं तो इनको वो हिसाब किताब सब अच्छी तरह से आता है। अब ब्रह्मा जी का तो एक ही उद्देश्य होता है कि प्रजा बढ़ाओ प्रजा बढ़ाओ प्रजा बढ़ाओ। तो उन्होंने फिर कहा कि ये ठीक लग रहा है मुझे प्रजा बढ़ाने के लिए योग्य है तो उन्होंने उनको प्रजापति बना दिया। प्रजापति का मतलब होता है सीईओ ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मा जी के बाद इनका अधिकार होता है ये इंद्र देवताओं से भी ऊपर होती है। जो भी प्रजापति असाइन किया जाता है वो इंद्र आदि जो अग्निदेव इंद्रदेव ये सारे देवता हैं इनसे ऊपर होती हैं। ही इज नंबर टू आफ्टर ब्रह्मा जी। ठीक है तो अब नेचुरली इतना बड़ा मिल गया जिसके देवता भी अब पूजा करेंगे तो कहते हैं ऐसा ऐसा कौन है दुनिया में जिसको स्टेटस पाके मद ना हुआ हो। मद मीन अभिमान पहले तो अभिमान होता है मद मीन नशा होता है। नशे का मतलब जो हमारे अंदर श्रेष्ठता का अभिमान है उससे जो अंदर रस आता है वो उसको मद कहते हैं। तो हमें पता ही है कि मद क्या करता है तो बोले कि अब उसको बहुत बड़ा आप देखो इतना बड़ा स्टेटस मिला तो पार्टी भी तो होनी चाहिए ना। तो उस जमाने में पार्टी करने के बहाने से यज्ञ करते थे तो यज्ञ पे सबको बुला लो और पार्टी करो तो जरा पता तो चले सबको। तो नए सीईओ की इंट्रोडक्शन भी तो होनी चाहिए है ना। तो वो हो रहा है अब इसके आगे पढ़ते हैं 60 के नीचे क्या होता है। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। दोहे की भी हिंदी पढ़ दो। हे प्रभु हे प्रभु मेरे पिता के घर बहुत बड़ा अब उत्सव है यदि आपको आज्ञा हो तो आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। तो हम देख रहे हैं कि कैलाश पर्वत में मैया जी और वो बैठे थे तो ऊपर से उन्होंने देखा सुंदर सुंदर विमानों में अपने अपने विमानों में सारे देवता लोग तो पहुंच रहे हैं दक्ष महाराज के यहाँ। तो अब दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे माता सती जी ने देखा कि ये सब हलचल क्या है। तो भगवान श्री भोलेनाथ बोले कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो वहां सब लोग ये जा रहे हैं। तो बोली कि ठीक है तो वहां यज्ञ हो रहा है तो बड़ी खुश हुई कि मेरे पिताजी प्रजापति किसको खुशी नहीं होगी मेरे पिताजी के प्रमोशन पे।
तो उसने सोचा कि ठीक है अभी तो यहाँ भी तो गड़बड़ी चल रहा है ना, सब बोल तो उलांबा किसको दे, भगवान को उलांबा थोड़ी दे सकती, आपने मेरा त्याग क्यों किया, बिकॉज कसूर तो उन्हीं का ही है। तो सोचती है कि ठीक है चार दिन मैं मायके चली जाऊंगी तो दिल बहल जाएगा। तो वो चाहती है कि फिर भी भय से संकोच से ऐसे पूछती है इज इट ओके कि भैया पिताजी के यहाँ उत्सव है मैं जाऊं क्या वहां पे, आप देखते हैं भगवान क्या कहते हैं 61 से 62 तक। श्री राम, शिवजी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना भुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। हमने देखा था कि सारे देवता अपना अपना विमान लेके जा रहे हैं, तीन देवता वहां नहीं गए हैं, शिव जी को तो बुलाया ही नहीं गया है, पर जो ब्रह्मा जी एंड विष्णु भगवान भी नहीं गए, क्योंकि अगर जहाँ पे शिव जी नहीं होंगे वो दोनों भी नहीं जाते हैं। तो अब इधर मैया ने, जब मैया को बोला गया तो उसने बोला कि मैं जाऊं, तो हमारे श्री भोलेनाथ कहते हैं कि बात तो बहुत अच्छी है, जाना भी चाहिए अपने मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, तो बिना बुलाए कभी भी चले जाओ। पर बोले सती बात यह है कि तुम्हारे पिता ने जानबूझ के हमें नहीं बुलाया है। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, कहते एक घटना हुई थी, मैंने तुम्हें कभी बोला नहीं इस बात को ताकि तुम्हें दुख ना हो। क्या हुआ था, एक बार हम लोग, मैं ब्रह्मा जी के यहाँ मिलने गया हुआ था, वहां बैठा था तो ये दक्ष महाराज आ गए वहां पे, दक्ष जी अभी तब प्रजापति नहीं बने थे, तो दक्ष आए हैं, पर लेकिन दक्ष संभाव तो दक्ष जी जब पहुंचे हैं इनको देख के सारे देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए क्योंकि वो तो पिता है, वो खड़े नहीं होंगे, और इधर हमारे शिव भोलेनाथ वो भी खड़े नहीं हुए क्योंकि वो तो हमेशा उनका तो ध्यान राम में मगन रहता है, हमेशा समाधि में रहते हैं, तो वो एंड शरीर, वो शरीर भाव से ऊपर है। तो अब दक्ष ने देखा सारे खड़े हैं, ये तो मेरा जवाई है, पुत्र के समान है, इस भिखारी को मैंने लड़की दे रखी है, बिकॉज सती जी को वो देना नहीं चाहते थे शिव भोलेनाथ को, सती जी को शिव भोलेनाथ पसंद थे, एंड तब ब्रह्मा जी ने और ऋषियों ने कह के इसकी सती की शादी करवा दी थी शिव भोलेनाथ के साथ, जो शुरू से ही दक्ष को अंदर ही अंदर पसंद नहीं थी। तो अब उसने कहा कि एक तो मैंने वैसे ही भिखारी के साथ शादी करके रखी है, इतनी सुंदर पुत्री दी है, तो ये देखो मेरे को देख के खड़ा नहीं हुआ, तो उसको इस बात का दुख लगा, तो उसने उनको बुरा भला बोल दिया शिवजी भगवान जी को उस सभा में। तो अब शिवजी भगवान कुछ नहीं बोले, तो वो चुपचाप वहां से निकल आए कि अच्छी बात है, बोलना नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं। पर लेकिन जो नंदी हमारे हैं उनको बहुत गुस्सा आया, तो नंदी ने उनको दक्ष महाराज को चार सुना दी, तो वहां शापा शापी होने लगी दोनों तरफ, शिव भोलेनाथ दक्ष के जो शिवगण है उधर दक्ष वालों को शाप दे रहे हैं, शाप जो दक्ष वाले हैं इधर को, जो दक्ष के साथ ऋषि थे वो इधर शापा शापी हो रही है दोनों अच्छी तरह से। पर चलो वो बात गई वही उधर हो गई, पर मैया को इस बात का पता नहीं है क्योंकि भगवान नहीं चाहते ना कि ऐसा कुछ दुख हो, देन उसको साथ देना पड़े, बाप का लूं कि पति का लूं क्या करूं। तो उन्होंने ये बात कहते आज मैं तुम्हें बताई है, जस्ट बिकॉज ही इज मैड एट मी तुम्हें भी नहीं बुलाया, मेरे साथ तो गुस्सा है कोई बात नहीं पर तुम्हें तो बुला लेते, तो ऐसा नहीं बोला कि तुम्हें बुला लेते, ऐसा व्यंग्य करके नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि जस्ट बिकॉज वो मेरे साथ गुस्से है ना इसलिए तुम्हें भी नहीं बुलाया है।
अब वो बोली कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपके साथ गुस्सा में जाके मना नहीं की ना, कोई बात नहीं, नहीं बनाया मेरे पिता है मैं जाऊंगी। पर भगवान मनाते रहे, नहीं मानी, तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, तो उन्होंने अपने गण दिए तो उनके साथ भेज दिए गए। ठीक है, अब 62 के नीचे 63 तक पढ़ते हैं। भवानी जब पिता के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आग भगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने उनकी कुछ कुशलता नहीं तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग नहीं दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था तब उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उनको बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब जब वो पहुंची हैं अपने घर मायके में, तो किसी ने उनका आगे बढ़ के उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि सब दक्ष महाराज से डरते हैं। तो अब बट लेकिन बहनें तो प्यार से मिली हैं, मुस्कुराकर मिली हैं, माता बड़े प्यार से मिली है, माँ तो मिलेगी ही प्यार से। तो अब वो हैरान हो रही है कि ये सब क्या हो रहा है। तब उसने उनके पिताजी को देख के, तो पिताजी उसको देख के गुस्से में भर गए। कैन यू बिलीव कैसा पिता है वो, अपनी पुत्री जिसका कोई दोष नहीं है उसको देख के गुस्से में भर गए। तो अब उनको लगा ये क्या। तो जब यज्ञ कुंड की तरफ वहां देखती हैं जहां बना हुआ है यज्ञ कुंड और सबको स्थान रखे हुए हैं, वहां देखा वहां शिव भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं है। तब तो उन्हें बहुत फिर गुस्सा आया कि अरे ये क्या। तब उन्हें पहली बार लगा कि ये तो सचमुच अपमानित किया गया है जानबूझ के मुझे और मेरे पति को। तो ऐसा कहा जाता है, यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति जाति अवमाना। इसका क्या मतलब है, बोले दुनिया में बहुत दुख होते हैं, बट लेकिन जब हम अपने परिवार में होते हैं दोनों तरफ से, कोई भी इधर का परिवार हो चाहे मायके का हो चाहे अपने अपना ससुराल वाला परिवार हो, जहां अपने परिवार वाले अपने स्टेटस वाले अपमान करते हैं वो सबसे ज्यादा दुख लगता है। क्योंकि जब अपना कोई अपमान करता है वो तो फिर सबसे बड़ा दुख लगेगा ना। तो कहते हैं, मैं भूल रही हूँ एक नाम, एक बार अकबर के टाइम की ही बात है, किसी संत को बांध दिया गया चौराहे पे, तो बोला गया था कि इसको पत्थर मारो, क्योंकि हिंदू धर्म के अगेंस्ट थे ना। आई डोंट नो अकबर के टाइम की औरंगजेब के किसी के टाइम की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो चौराहे पे वो कर दिया गया, तो पत्थर मारने को कहा गया, तो सब पत्थर मार रहे हैं, कुछ नहीं, वो बोल रहे संत ऐसे बैठे हैं चुपचाप सह रहे हैं। तो एक उनका कोई अपना आया, उसने उनको फूल मारा। तो वो जैसे ही उसने फूल मारा तो ये झरझर झरझर करके रोने लगे। तो बोला ये मतलब सब तो तुम्हें पत्थर मारे हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने फूल मारा। तो बोले सबका पत्थर मारना मुझे पता है, वो ना समझ है, तुम्हारे फूल मारने से मुझे इतना ही दुख हुआ जितना पत्थर मारने से। इसका मतलब कि तूने मुझे मारा, मारने का हुक्म दिया गया था ना कि कुछ तो मारना है। सो जो अपने का जो अपना कोई फूल की तरह भी मारता है ना तो उसका भी दुख लगता है। तो ये बात ये कही गई है कि सबते कठिन जाति अवमाना। तो उसके बाद उन्हें देखा तो सती जी को बहुत क्रोध आ गया। माता ने समझाया, रही तो गुस्से में हो गई अब, पर लेकिन अब तो नहीं सह सकती। अब 63 से 64 तक पढ़ेंगे। श्री राम, हाँ, डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदो और सब मुनीश्वरो सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना
वर्ष चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का तुरंत ही त्याग शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। श्री राम, तो हम देखते हैं यहाँ पे, अब जब उनसे सहा ने किया तो वो सबको बोली, क्या बोलती है कि कहती है संत शंभु श्रीपति अपवादा। यहाँ पे संत शिवजी भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी इन लोगों की निंदा हो वहां तो कहती कैसा व्यवहार करना चाहिए। कहती अगर आपके बस में है तब तो जीभ काट लो, अगर हम वो नहीं कर सकते तो वहां से निकल जाओ। अब जीभ काटने का हमेशा मतलब जीभ काटना मतलब सचमुच जीभ कैंची से काट देना नहीं है। जीभ काटने का मतलब डिपेंड करता है कौन सामने बैठे हैं। अगर तो कोई सतोगुणी प्रभाव वाले हैं तो उनको अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, तो जो रजोगुणी तमोगुणी के बर उनको समझाना मुश्किल होता है। हर एक को समझाने का एक ढंग होता है ना। तो वहां वो ये कहते हैं हाँ अगर कोई बहुत ही राक्षस वृत्ति का कर रहा है तो शायद मारना पड़े तो मारना भी है, पर लेकिन अगर हाँ अगर आप वहां से नहीं आप वो सब नहीं कर सकते तो कम से कम निकल तो जाओ। क्यों वो इसीलिए होता है क्योंकि उनको तो अगर दूसरे बंदे को मेरे प्रभु पे विश्वास नहीं है वो तो तर्क वितर्क करता ही रहेगा। अनलेस देयर इज नॉट एवरी टाइम वी नीड टू गो इन द टू तर्क वितर्क, है ना, तो उससे क्या होगा हमारे ही श्रद्धा एंड विश्वास को धक्का लगेगा एंड फिर बार बार हम यही सोच रहे हैं उसने ये कहा था उसने ये कहा था, वो तू तू मैं कभी खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए रिमेम्बर हमारे शिव भोलेनाथ वहां से चुपचाप निकल गए। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, पर कभी कभी जवाब देना भी पड़ता है, कभी कभी हमारे ही अपने अपने ही लोग किसी दूसरे के नहीं, हमें कहीं होते हैं तो कुछ बोल दिया भगवान के बारे में। अगर हमारे पास संसार है तो हम ये जरूर बात कर सकते हैं कि देखो अगर तो तुम्हें सचमुच ही इसका आंसर चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। डिपेंड करता है किस भाव से आप पूछ रहे हो, सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए पूछ रहे हो तो इसमें तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। अगर सचमुच जानना चाहते हो तो हमारे पास आंसर है, नहीं है तो मैं अपने सत्संगी भाइयों को पूछ के बता दूंगी, ठीक है। इस तरह से डिपेंड करता है जवाब देने का, लेकिन देना जरूर है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि वो बोलते हैं तो कहती है कि मेरे कहते जो कौन है ये शिव भोलेनाथ, बोले त्रिपुर दैत्य को मारने वाली। त्रिपुर दैत्य त्रिपुर तभी इनको त्रिपुरारी बोला जाता है, तो त्रिपुर दैत्य हमें पता है तीन पुरों पे वो तीन भाई रहते थे, तो उनको एक्चुअली सात्विक रासिक तामसिक क्वालिटी वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनको भगवान शिव भोलेनाथ ने मारा क्योंकि हमें त्रिगुणातीत करना है ना। तो भगवान कहते हैं ये तो जगत की आत्मा है, जगत पिता है। बोले उनका अपमान मेरा पिता कर रहा है। तो कहते हैं कि मेरा जो ये शरीर है इस पिता से बना है, मुझे अब ये शरीर ही नहीं रखना, क्योंकि हमारी पहचान तो वही होती है ना कौन है, हमारे माता पिता हमारी पहचान होती है ना। तो वो बोलते हैं कि मुझे इस पहचान को ही नहीं रखना, तो इसलिए उन्होंने उसको कहती किसका इन्होंने अपमान किया। तजय तुरंत देह ते ही हेतु उर्धरी चंद्र मौली वृष केतु, अपने देह को त्यागते कहते हैं ना, जब देह को त्यागते समय जिसका हम ध्यान करेंगे उसी को पाएंगे। तो शिव शिव वो तो हमेशा ही उनको बचती रहती है, एंड शी मेड श्योर शी सेट इन मेडिटेशन शी इज, वो हमेशा अपने प्रभु को याद कर रही है, अमृत स्वरूप वो जो परमात्मा जो चंद्रमौली है उनको याद कर रही है। तो उनको याद करते करते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और इस तरह से वो यज्ञ यहाँ पे विध्वंस हुआ है। अब इसका डिटेल में देखेंगे 64 के नीचे 65 तक। ये सब समाचार शिवजी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा।
उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही रीति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती के मरते समय भगवान हरि से सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। हाँ जी, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब उन्होंने फिर तो उन्होंने शिवजी का स्मरण करके अपने देह का त्याग कर दिया। और ये हमें पता है आगे की कहानी कि शिवजी भगवान को जब ये समाचार मिला तो उन्होंने एक बाल उखाड़ा था, वो वीरभद्र पैदा हुए थे, तो उन्होंने पूरा जाके यज्ञ विध्वंस कर दिया था। जो दक्ष प्रजापति है उसका गला काट दिया था, गला काट के यज्ञ में आहुति दे दी उसके। तो अब सारे देवता भाई की थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो गई। शिवजी भगवान के पास, वो ब्रह्मा जी के पास भागे जान बचा के, तो ब्रह्मा जी ने कहा नथिंग डूइंग। तो फिर हमारे विष्णु भगवान एनीवे इंद्रायण सब मिलके शिवजी को मनाने गए हैं, तो शिवजी भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उनका तो गुस्सा भी छूमंतर हो जाता है ऐसे। तो वापस यज्ञ में आया गया, शिवजी को स्थान दिया गया। अब हमारा जो दक्ष है उसको बकरे का सिर लगाया गया, क्योंकि सिर तो लगाना था, मरा नहीं था, बिकॉज मर नहीं सकते ना, वो मानस पुत्र हैं एंड उनकी देह हमारे जैसी देह नहीं थी। तो अब उनको बकरे का सिर क्यों लगाया गया, क्योंकि वो बोले हमेशा मैं करता रहता है ना, तो इसको बकरे का सिर दे दो। आप देखेंगे कि जब हम लक्ष्मी पूजन होता है ना, उस समय दक्ष प्रजापति की भी पिक्चर होती है वहां पे, बकरे का सिर वाले आप देखेंगे उनकी पिक्चर। एंड इसके बाद फिर उन्होंने उसी मुंह के साथ शिव जी की स्तुति की थी, दक्ष प्रजापति, बहुत सुंदर स्तुति है उसमें, शिव पुराण में आती है इनकी स्तुति। तो अब बात यह है कि एक क्वेश्चन ये भी आता है, हमने थर्ड चैप्टर हमारा इज ऑल अबाउट यज्ञ, पूरी गीता इज ऑल अबाउट यज्ञ, एंड ये रामचरितमानस इज ऑल अबाउट यज्ञ। यहाँ यज्ञ विध्वंस हुआ, भगवान को जन्म देने के लिए यज्ञ किया गया, यहाँ तीन यज्ञ सफल हुए हैं, तीन विध्वंस हुए हैं, तीन यह सफल हुए हैं। महाराज दशरथ का सफल हुआ यज्ञ, महाराज जनक का यज्ञ सफल हुआ, विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हुआ। जो तीन असफल हुए हैं, सबसे पहले दक्ष प्रजापति, मेघनाथ एंड रावण, इन तीनों के यज्ञ असफल किए गए। तो द रीजन वाई यज्ञ असफल किए गए, क्योंकि यज्ञ के पीछे बहुत बुरी भावनाएं थी। यज्ञ तो क्या किया जाता है, यज्ञ तो मतलब सा यज्ञ प्रजा सृष्टा प्रजोवाचा प्रजापति, तो वो तो यज्ञ तो सबके एक दूसरे को ऊपर बढ़ाने के लिए किया जाता है ना, ना कि एक दूसरे को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो इसीलिए जिन जिन लोगों ने गलत विधि यज्ञ करने की कोशिश की, उनका यज्ञ विध्वंस हुआ, और जिन्होंने भगवान को पाने की कोशिश की उनका यज्ञ सफल हुआ। तो यहाँ पे दैट्स द वन रीजन जो उनके यज्ञ में असफलता मिली है। तो आप लोगों ने शायद, जब मैं नहीं थी वेंसडे, वहां भी यही यज्ञ पढ़ा ना आपने, भागवतम में वेंसडे को यक्ष प्रजापति का यज्ञ पढ़ा आपने वहां पे, राइट? तो अब देखो यहाँ पे भी वही स्टोरी है। तो दैट्स व्हाट इट वाज, वहां तो शायद थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा आपने। तो दैट वाज द स्टोरी क्यों यज्ञ विध्वंस हुआ है। तो अब हम देखेंगे, अब माता ने मरते समय जो चाहा था वही हुआ। अब वो हिमाचल की यहाँ जन्म ले रही है, हिमाचल हिमाचल पहाड़ है, हिमाचल, हम हिमाचल से हैं, इसको देव भूमि कहते हैं हमारे हिमाचल को, देव भूमि से हम माता रानी से संबंधित रखते हैं। तो
तो हिमाचल के यहाँ उन्होंने क्यों जन्म लिया, क्योंकि हिमाचल हिज अचल, दैट्स द हिज क्वालिटी। जो हमारा दक्ष प्रजापति था वो तो अपने बुद्धि का गर्व करता था ना, बोले ऐसे बुद्धिमान के बजाय मुझे जड़ बुद्धि के यहाँ जन्म लेना मंजूर है ना, तो वहां जन्मी है। लेकिन इनकी जो माता है मेनका, हम देखेंगे वो बुद्धि रिप्रेजेंट करती है। बट यहाँ पे देखो जो श्रद्धा है ना, हमारी माता पार्वती श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा भी बुद्धि से ही पैदा होती है, बुद्धि से ही श्रद्धा पैदा होती है, बुद्धि से ही अभिमान पैदा होता है, डिपेंड करता है। यहाँ मेनका भी बुद्धि रिप्रेजेंट करेंगी, वहां दक्ष बुद्धि रिप्रेजेंट करता है, पर बुद्धि बुद्धि में डिफरेंस है। तो हम देखते हैं कि माता ने जब नेचुरली जब हाँ माता जन्म लेगी तो वहां तो सब कुछ फिर अपने आप ही पृथ्वी सब उगलने लगी सुंदर चीजें, है ना। तब 65 के नीचे पड़ेंगे 66 तक। श्री राम, सारी नदियों में पवित्र जल बनता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों में अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान हो जाता है होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। उषा जी आप कर लीजिए। उषा जी आप म्यूट पे। देखा नहीं, म्यूट पे था। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों के खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। यह सारी जगत में पूज्य होगी और इस की सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा है। जय श्री राम। तो नारद मुनि की वाणी सुनकर ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब माता के यहाँ जो बहुत हिमाचल राज्य बहुत शोभामायन हो गया, मैया वहां यह तो होगा ही। तो अब कहते हैं नारद मुनि जी अब माँ पार्वती जगत जननी के दर्शन करना चाहते हैं, देवी पार्वती के दर्शन करना चाहते हैं। तो वहां पहुंचे तो राजा ने रानी ने दोनों ने नारद मुनि ब्रह्म ऋषि हैं आए हैं, तो यहाँ पे आए हैं तो उनका स्वागत किया गया। नेचुरली जब कोई इतना आता है तो वो बोलते आप तो सर्वज्ञ हो, आप जरा हमारी बेटी का हाथ देके बताइए, जन्म पत्री देके बताइए क्या कहती है, हमें बस अपने बच्चों का भविष्य ही देखना होता है, उनके बच्चों तक कहाँ कहाँ तक हम पूछ लेते हैं, शादी कब होगी, अभी बच्चा पैदा हुआ क्या पढ़ेगा, शादी कब होगी, इसके क्या बच्चे, अरे पहले उसको तो बच्चे को तो जरा देख लो अपने में। तो वो भी वैसे ही पूछ रहे हैं हिमाचल राजा। तो अब देखो सीधा शादी पे आ गया, अभी तो बच्ची बेचारी पैदा हुई है, बोले तो बड़ी ये तो बहुत ही वो है सुंदर सुशील स्वभाव से ही, मतलब
इनको हमारी तरह कल्टीवेट नहीं करनी पड़ेगी सात्विक क्वालिटी, वो पैदा ही हुई है वैसी बंदे की, है ना। तो इनके नाम उमा अंबिका भवानी इनके नाम है। तो अगर कहते हैं कि सब कुछ सब सुलक्षणों से संपन्न, तो बहुत ही माता पिता का यश होगा, इनके इनके नाम से माता पिता का यश होगा, तो पूज्य होंगी, सब ये होगा। अच्छा तो और क्या, तो फिर कहते हैं दो चार अवगुण है इसमें। अब दो चार अवगुण सुन के तो माता पिता तो फेल ही हो गए बेचारे। अवगुण क्या है देखते हैं, तो कहते हैं इसकी जिससे इसकी शादी होगी ना, वो तो कहते गुणहीन, कोई गुण ही नहीं होगा उसमें। अच्छा मानहीन, मतलब उसको पगले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इसको पत्थर मार दे फूल मार दे उसके लिए बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माता पिता विहीन, माता पिता नहीं हो गया, अनाथ होगा वो। अच्छा उदासीन, बिल्कुल उदासीन, कोई परवाह ही नहीं उसको किसी की। अच्छा संशयहीन, लापरवाह, पूरा लापरवाह। अच्छा योगी, यू नो कोई ऐसे जैसे सन्यासियों की तरह। जटाधारी, जटाधारी जब कहते हैं ना, ये जो हमारे बाल होते हैं ना, इसको संवारते हैं, ये श्रृंगार रस में आता है। तो पति पत्नी पत्नी का रिश्ता श्रृंगार रस में आता है, तो बोले कि वो तो जटाधारी हो तो उसको परवाह नहीं, वो कितना गंदा शरीर उसका, उसको कौन देखेगा उसकी तरफ, कौन उससे शादी करना चाहेगा, राइट। तो उसके बाद निष्काम हृदय, कोई कामना नहीं उसके हृदय में, नंगा नंग दड़ंग अमंगल वेश, ऐसा पति मिलेगा उसको। अब इमेजिन कीजिए कि किसी के माता पिता को यह सुनने को मिले, क्या हाल होगा बेचारों का, क्या हाल होगा, वो तो फेंट हो गए ही बेचारे। तो अब लेकिन सिर्फ एक चौपाई पढ़ना बेटा, मैं उसकी पहले व्याख्या करूंगी फिर नीचे जाएंगे। सुनी मुनि गिरा सत्य जी जाने। श्री राम, नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। श्री राम, अब सबका रिएक्शन, नारद मुनि जी का भी रिएक्शन डिफरेंट है। अब हमारे जो ये है माता पिता का तो क्या होगा वो तो हमें पता ही है, पर कौन प्रसन्न है, बहुत भवानी माँ बहुत प्रसन्न है, तो वो अंत मुस्कुरा रही है। तो अब देखेंगे हम क्यों मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कौन है ये जो है हमारे जो गुणहीन है वो गुणातीत है ना, जो हमारे मानहीन है वो क्या है, वो भी मान अपमान से ऊपर है ना। उनको माता पिता विहीन, वो ही तो सबके माता पिता है, इसीलिए उनका कोई माता पिता नहीं, वो हम सबके माता पिता हैं। उदासीन का मतलब वो सब सब सबके लिए वो बराबर है, संशय तो है ही नहीं कोई। एंड उसके बाद वो योगी है, हमेशा योग में रहते हैं, है ना। एंड जटाधारी, जटाधारी का मतलब हमारे जैसों को लेके घूमते हैं हमेशा, जटा उनकी लंबी लंबी जटा है, वो पूरे यूनिवर्स है उन जटाओं में पड़े। तो उसमें निष्काम हृदय तो वो तो समझ आता है। एंड नंगा, नंगा का मतलब हमारे शिव भोलेनाथ किसी से कुछ नहीं छिपाते, जो है वो सामने, जो अंदर बाहर, कहने का मतलब ऐसे है कि खुद तो ऐसे रहती है, जो मांगना है वो मांग लो उससे, ऐसे है ना। और अमंगल वेश, अब अमंगल वेश बार बार आता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। व्हाट इज अमंगल वेश, शमशान घाट में रहते हैं और क्या करते हैं, जो शमशान घाट जो मृत शरीर जलाया गया उसकी धूल को अपने शरीर पे लगाते हैं, ठीक है, इसीलिए अमंगल वेश कहते हैं ना उसको। पर आप देखो ये क्या है हमारे भोलेनाथ, हम जिस रास्ते पे जाते हैं रोड लेते हैं वहां पे फ्यूनरल होम है, तो फ्यूनरल होम देख के कई बार एक बार मुझे ऐसे लगा मेरे मन, तो मैं बोलती हूँ कि अरे कभी मैं वहां पड़ी होंगी पार्क्स में, क्या मुझे भय लगेगा। आई नो आत्मा इज गॉन, वी ऑल नो दैट, बट फिर भी हम कहते हैं ना मन बुद्धि चित्त अहंकार उसके आसपास घूमते रहते हैं जब तक दाह संस्कार नहीं होता। तो मुझे अपने आप को ऐसे लगा कि will I feel the pain of loneliness, that भय, will I feel the pain of that अग्नि, तो वो सब ऐसा मन में विचार आता है। तो किंकर जी महाराज जी का पढ़ रहे थे, उन्होंने इतना सुंदर इसका एक्सप्लेनेशन किया कि हमारे जो शिव भोलेनाथ है
देखो वो कहते हैं कि जब तक ये शरीर तुम्हारा रहेगा, जब तक तुम ठीक ठाक रहोगे, सब तुम्हारे आसपास सब तुमसे प्रेम करेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये शरीर को तुम्हें सब लोग छूना भी नहीं चाहेंगे, जब ये प्राण छोड़ दोगे तुम ये शरीर। फिर क्या होगा? फिर कहते हैं नॉट ओनली दैट, शरीर को तो क्या, तेरा शरीर जला भी दिया जाए, उस धूल को भी कोई छूना नहीं चाहेगा, उसको भी अछूत रहेगा। बोले जब तुम्हें तुम्हारा सब सब तरफ से तुम्हारा दिल छू जाएगा, तुम्हें सब छोड़ देंगे, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ शमशान घाट में। हाँ देर नो फेयर, डरना नहीं, मैं हूं और नॉट ओनली मैं तुम्हें गले से लगाऊंगा, तेरी धूल को भी अपने गले से लगाऊंगा। ये है अमंगल वेश, ये है हमारे शिव भोलेनाथ, जो हम कहते हैं शमशान घाट में बैठते हैं, जिसकी धूल लगा के रखी। अरे हमारी धूल है वो, हमारे शरीर की धूल है वो, जिसको गले से लगाते हैं। जब हम वैसे हो जाएंगे, जब हम कोई छूना भी नहीं चाहेगा, तब कौन इंतजार करेगा हमारा? वो ही करेंगे, वो जोत जला के बैठते हैं वहां पे, आ जाओ बच्चे इंतजार कर रहा हूँ। तो ये है हमारे अमंगल वेश वाले प्रभु शिव भोलेनाथ। तो इसीलिए भैया को पता है कि वो कौन है, किसमें वो सब क्वालिटीज हैं, तो वो प्रसन्न हो रही हैं कि नारद मुनि जी का वाक्य हमेशा सत्य होगा, ये मेरे गुरु हैं। अब आगे पढ़ते हैं, इसके 68 तक पढ़ेंगे। श्री राम, सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना, सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। हाँ, देखेंगे कि अब माता तो खुश है तो वर्ड, लेकिन चुपचाप बैठ गई दूसरे तरफ सखियों की गोद में। अब हमारे माता इधर जो इनके माता पिता हैं हमारे हिमावन एंड मेनका बहुत दुखी हैं, तो क्या करें। फिर जब कोई पंडित हमें बताता है कि ये दोष है हमारी कुंडली में, तो हम पूछते हैं ना कोई उपाय है, कोई डाल सकते हैं हम, कोई मोती शोती, कोई क्या पूजा कर सकते हैं हम, बताइए ग्रहों को शांति के लिए, राइट। तो वो तो कहते हैं, मुनीश्वर कहते हैं कि सुनो, जो ललाट पे यहाँ लिख दिया जाता है वो कहते हैं देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि भगवान ने ये उन नागों की बात हो रही है जो देव नाग है, उन नागों की बात हो रही है। एंड मनुष्य भी, हम भी एक दूसरे के कई बार एक माँ भी अपने बच्चे की पेन ऐसी प्रार्थना करेगी अपने ऊपर ले लेगी। एंड दानव देवता उनको पता है कि ये हम जब सचमुच में हम जब उपाय करते हैं कोई पूजा, तो अगर तो वो ठीक होने वाला है तो हो जाएगा, अगर नहीं ठीक होने वाला तो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि रिमेम्बर हमने देखा था माता सती ने जो उनसे हुआ गलती वन आफ्टर अनदर, तो उसमें शिव भोलेनाथ ने क्या कहा था, हरी इच्छा। इतनी बड़ी गलती जो सती कभी कर नहीं सकती, मेरे साथ कभी झूठ नहीं बोल सकती, ये तो बहुत पवित्र है। अगर यहाँ पे उस पे गलती आफ्टर गलती हो रही है तो भगवान कुछ और करना कराना चाहते हैं, कोई खेल करना चाहते हैं अभी, है ना। तो ये हरी इच्छा, अगर हरी इच्छा होगी तभी वो सब काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं तो सारी दवाइयां मिलती हैं सारी दुनिया में, तो सारी दवाइयों से सारे बच नहीं जाते, सिवाय सारी दवाइयों के कारण सब बचते नहीं, सारी दवाइयां खाने से भी मर जाते हैं, है ना। अब 68 से 69 तक करेंगे। जय श्री राम। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर को जो जो दोष
वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कोई दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कोई जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? तो यहाँ पे जब उन्होंने बोला कुछ उपाय करो, बोले लेखा तो नहीं मिटा सकते बट एक उपाय है। देखो अगर भिखारी है उसी से मंगल बंदे से उसी से शादी होनी है तो क्यों ना वो बेस्ट ढूंढे। भिखारी से ही शादी होनी है तो बेस्ट भिखारी ही ढूंढते हैं फिर, है ना, बेस्ट अमंगली ही ढूंढते हैं। तो कौन है वो? कहते हैं शिव जी भगवान से बड़ा वो कोई हो नहीं सकता। तो ऐसे ऐसा है कि है तो बड़ा मुश्किल पर अब उन्हीं को गोल बना लेते हैं शादी के लिए। तो उन्हीं के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? फिर बताएंगे कि तपस्या अगर करेगी माँ पार्वती उनको प्रसन्न करेगी तो एक दिन उनको पति के रूप में पाया जा सकता है। जल्दी से एक और कर लेते हैं, 5 मिनट है। श्री राम, गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान हैं, इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और यह कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। श्री राम, तो फिर वह कहते हैं कि यदि तुम्हारी कन्या तप करे। अब तप का बहुत महत्व है, हम सबको पता है, हम गीता में हमने देखा है तप की व्याख्या क्या होती है। तप का मतलब होता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम जितना भी परिश्रम करते हैं उसमें बाधाएं भी आएंगी रास्ते में, पर बड़े उत्साह से चलते रहते हैं, उनको पार करते हैं, उसको तप कहते हैं। हर्ष पूर्वक दुख सहना। अब वो तप नहीं है कि अपना वो हमने बड़े भारी व्रत रख लिए, शरीर को क्या से क्या बना दिया, वो तप नहीं है। तप का मतलब होता है हर्ष पूर्वक अपने लक्ष्य के की तरफ चलते रहना, विघ्न आने के बावजूद भी चलते रहना, हमेशा उसको पाने की कोशिश करनी, ये है तप। तो हर चीज के लिए, एक विद्यार्थी के लिए अच्छे ग्रेड लेने के लिए तप की जरूरत है, तो तप तो है ही। तप का महत्व यहाँ पे बताया गया है कि एक तप करने से, एक छोटे से मंत्र पे ऐसे बड़े भगवान को भी बस में किया जा सकता है। तो ये बोला गया है, उन्होंने बोला कि तुम संदेह मत करो, जरूर होगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल है अगर वो ले, अच्छा इतनी मेरी मासूम सी बच्ची शिवजी के लिए तप करेगी और क्या शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे? वो तो उनके लिए बड़ी भयंकर तपस्या करनी पड़ेगी इसे। तो बोले नहीं नहीं ये तपस्या भी कर लेगी और वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, तो ये दोनों जरूर होंगे। आज हम यहाँ पे 75-58 हो गए ना, खत्म करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम होपफुली हम शादी करेंगे भगवान की। तो पहले लास्ट वाला बोल के फिर अगर आप लोगों को किसी को कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। श्री राम,
बार बार बर मांगो हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अन पाइनी भगति सदा सतसंग सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे श्री राम। जय सियाराम। तो आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे एंड अगर आपको कोई प्रश्न हो तो पूछिए। शिव जी बड़े अच्छे पति है लेकिन त्याग भी कर देते हैं और फिर भी वो केयर भी करते हैं सपोर्ट भी करते हैं। ध्यान से देखो हमारी दोनों माताओं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, हमारी सती माता को भी देनी पड़ी, हमारी सीता माता को भी देनी पड़ी, दोनों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। तो ये वहां पे भी एक मतलब होता है, यहाँ पे सती माता का मन से त्याग हुआ था इसीलिए उनको शरीर ही त्यागना पड़ा, वहां शरीर शरीर से त्याग हुआ, शरीर से त्याग मतलब वो बिछड़ गई, रावण उठा के ले गया उन्हें, तो अग्नि परीक्षा उन्होंने भी की थी पर मन से त्याग नहीं हुआ था, तो उसी जन्म में उनका मिलन हो गया है ना। तो ये जो बातें हैं बड़ी गूढ़ रहस्यों की बातें हैं। तो यस शिव जी भगवान बहुत अच्छे पति हैं, तभी तो उन्होंने कहा ना ये कितनी पवित्र है, उसको महसूस भी नहीं होने दी उसकी गलती कि तुमने ये गलती की है ना। जी एक प्रश्न है, ये 64 दोहे में जो बोला है, यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की, तो ये किसकी है, यज्ञ की रक्षा है या यज्ञ की रक्षा? वो भागवतम में भी थोड़ा डिटेल में आता है, शिव पुराण में बहुत डिटेल में है स्टोरी पर। वो क्योंकि ये यहाँ पे यज्ञ विध्वंस हो रहा था ना, खूब लड़ाई बड़ाई हो रही थी, तो भृगु ऋषि वहां पे क्योंकि जो जो पुरोहित यज्ञ के लिए बुलाए गए थे तो वो यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए, तो उन्होंने सारे गणों को भगा दिया। फिर अभी अभी उस समय अभी जो दक्ष है उसका गला काटा नहीं गया था, अभी तो छोटे मोटे ही आए थे ना गण, तो नंदी भगवान आए थे साथ में बस। अब जब गणों ने जाके बताया, कहीं पे आता है नारद मुनि ने जाके बताया भगवान शिव भोलेनाथ को, तब उन्होंने एक ऐसे बाल ऐसे कहते जड़ उखाड़ी थी, तो वीरभद्र आए थे, तो फिर वीरभद्र ने विध्वंस किया था, तब कोई कुछ नहीं कर सका। तो ये यज्ञ तो पूरा नहीं हुआ था ना, बाद में पूरा हुआ रिमेम्बर, फिर शिवजी भगवान को बुलाया बताया ना हमने, फिर शिवजी भगवान को मनाया गया, शिवजी भगवान वापस आए, उनका धड़ को वो लगाया गया बकरे का धड़, तब ये यज्ञ पूरा हुआ, हमारे जो दक्ष महाराजा उन्होंने शिव स्तुति की, यज्ञ पूरा हुआ, फिर सब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान सब आए। थैंक यू कृष्णा जी, जो यज्ञ 3 सक्सेस हुए वो तीसरा वाला कौन सा था, दशरथ का, जनक का और हमारे विश्वामित्र? विश्वामित्र एक्चुअली 12 जनक ने पहले यज्ञ, सॉरी महाराज दशरथ ने पहले किया, फिर विश्वामित्र, फिर महाराज जनक। अच्छा, यानी ये जो खराब हुए हैं अभी जो पहला इनका, फिर मेघनाथ एंड रावण, उन दोनों के यज्ञ खुद विध्वंस किए ना वहां जाके। Any other question? बहुत सुंदर कथा चल रही है, अभी हम देखेंगे शादी भी कितनी सुंदर शादी होगी, उसमें भी बहुत कुछ बोला जाता है, बड़ा मजा भी आता है, सप्तऋषि आके उनका परीक्षा लेंगे मैया की, क्या क्या क्वेश्चन करेंगे, बड़ा मजा आता है पढ़ के। तभी मैं कहती हूँ आप जरा थोड़े से, हमें पता है हमें 10-15 से ज्यादा दोहे नहीं हो पाते एक घंटे में, तो आप जरा हिंदी पढ़ के आया करिएगा तो फिर ज्यादा मजा आता है ना, फिर कोई प्रश्न भी होगा तो पूछा जा सकता है ना। राम 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 राम।